बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7, सब्जेक्ट इस्लामियात, जमाल खत्म, सब्जेक्ट इस्लामियात, लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा। इससे पहले हमने सबक हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशुदे के बारे में चैप्टर स्टार्ट किया और इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर भी करवाए थे, जिससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हजरत फरीदुद्दीन गंजशकर के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा चुकी हूँ। थोड़ा सा मैं इसको रिव्यू करूँगी कि इनकी विलादत 571 हिजरी मुताबिक 1175 गजबा कुतफाल मुल्तान में हुई थी। वालिद का नाम शेख सुलेमान और बहुत ही नेक और नेक आलम फाजिल दीनदार बुजुर्ग थे, जिनका ताल्लुक 33वीं वास्ते से, यानी कि हसब नसब जो चलता है सिलसिला शजरा नसब, वो हजरत उमर फारूक से मिलता है। और बाबा फरीद की उम्र 5 साल की थी तो उनकी वालदा ने नमाज सिखाई। 5 साल के बच्चे को नमाज की आदत डाली और इस तरह से डाली कि नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने पूछा कि क्या फ़ायदा है, तो उनकी वालदा ने कहा कि शक्कर मिलती है, शक्कर की डली मिलती है। और रोज़ाना खुद ही जनमाज के नीचे शक्कर की डली छुपा दिया करती थी, जब वो नमाज़ पढ़ कर जनमाज फोल्ड करते तो नीचे से शक्कर की डली मिलती, तो बहुत खुश होते कि अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने का इनाम दिया है। एक रोज़ उनके वालदा ने जब वो शक्कर की डली नहीं रख पाई और भूल गई तो बहुत परेशान हो रही थी कि अब क्या करूँ, नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया और शक्कर की डली नहीं रखी। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा था और ये दिखाना था कि अल्लाह ताला ने उनको खुद ही शक्कर अता फरमा दिया। जब बहुत पूरी खुशी-खुशी के साथ नमाज पढ़ी बाबा फरीद गंजशकर ने, तो नमाज पढ़ने के बाद जब जनमाज फोल्ड किया तो उसके नीचे से बहुत सारी शक्कर मिली, ज़्यादा मकदार में मिली, तो खुद भी खाई, अपने दोस्तों को भी खिलाई और बताया भी। वालदा वापस आई, उनको भी बताया, बेटे ने सारा कुछ जब सुनाया तो वालदा ने कहा कि ये कुदरत का मौजज़ा है, और करिश्मा समझ कर कबूल फरमा लिया। और अपने बेटे का नाम, मतलब कि नाम तो फरीदुद्दीन था, उसमें गंज शकर गंज का इजाफा किया। शकर गंज के मायने हैं शकर का खजाना, तो जब से उनका नाम जो है वो हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर पड़ गया। अच्छा, वालदा जो है वो कम उम्र थे, वालिद का इंतकाल हो गया, तो वालदा ने बहुत अच्छी तालीम फरमाई और तालीम के लिए बहुत सी जगहों पर इन्होंने सफ़र किया, बहुत से बुजुर्गों से जो है वो इल्म हासिल की। इसके अलावा बहुत से मुल्कों में, मतलब के डिफरेंट हिंद के मुख्तलिफ शहरों में भी इनका जाना होता रहा। जी स्टूडेंट, तो हजरत फरीदुद्दीन गंजशकर जो थे वो बहुत नेक थे, हर हाल में रोज़े रखते थे, सारा साल रोज़े रखते थे, सिर्फ उन दिनों के जिनमें उनको ममानियत है यानी मना किया गया है, इसके अलावा नमाज पढ़ते थे और बहुत ही नेक इंसान थे। इनको पैसों से और दौलत से कोई लेना देना नहीं था, बहुत से बड़े बड़े बादशाहों ने, रियासतदानों ने इनको पैसे दिए, इनको बहुत से तहाइल दिए, वो सब इन्होंने गरीबों में बांट दिए। और नफ्स कशी करते थे, रियाजत करते थे, यानी कि अपने नफ्स की खुशी के खातिर हर चीज़ छोड़ दिया था और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में अपने आप को मशगूल रखा हुआ था। अच्छा, ये चैप्टर यहाँ पे जितने इनके बारे में बताएं कम है, क्योंकि अल्लाह ताला के वलियों में से शामिल होते हैं और बहुत नेक इंसान थे, बहुत नेक बुजुर्ग गुजरे हैं। इन्होंने बहुत सी तसनीफात भी जो हैं वो शाया की हैं, जिसमें रिसाला, माहियत कल्ब, राहतुल कुलूब और असरारुल औलिया वगैरह शामिल हैं। तो इस तरह से इनका उर्स भी जो है वो 5 मुहर्रम से शुरू जाता है और इनका मज़ार पाकपतन में है। ये तमाम हाइलाइट्स मैंने आपको बताई हैं और इसके अलावा भी आप चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ के इसके टोटल 10 एमसीक्यूज बनाइएगा, यही आपकी डायरी है। जी स्टूडेंट, होमवर्क की तरफ आते हैं। होमवर्क आपका है मेक 15 एमसीक्यूज, 10 नहीं 15 बनाने हैं, 10 एमसीक्यूज आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे। अभी फिलहाल आपको 15 एमसीक्यूज बहुत ही नीचे क्लीन और बहुत अच्छी तरह से सेंसिबल मीन्स में बनाने हैं, ठीक है। और चैप्टर वही है आपका हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, तो नीचे क्लीन आप कीजिएगा, भगवान ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।